दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, बड़ी कठिनाई से ये बात होती है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं, वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पर कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम से, बड़े जतन से संभाल करके, हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, इससे वो लोग आपको इतना भयंकर ना समझे, क्योंकि साधु संत लोग को हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचे कि हम ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट है, और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एकाध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहाँ नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसकी प्रकाश, उसके प्रकाश में धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझमें यह बड़ा ईगो था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियाँ थी, ये था, और धीरे धीरे आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कितना पागल था मैं, क्या ये इतना बड़ा यहाँ आनंद का सागर पड़ा था, इसको छोड़ के मैं कहाँ फंसा हुआ। तो धीरे धीरे आपने जैसे अपनी प्रगति को प्राप्त किया, ऐसे वो लोग भी अपने प्रगति को प्राप्त धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन इससे कोई डिसिप्लिन आत्मा का क्या होगा? जब प्रकाश ही आ गया तो आप जानते हैं कि प्रकाश में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, और यह प्रकाश आपके व्यवहार पर भी पड़ता है और दूसरों के व्यवहार पर। अधिक आप अपने को जैसे देखते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब सा होता है, आप देखते हैं मुझमें ये खराबी है, वो खराबी है, तो बेकार चीजें इसे फेंक देना चाहिए। समझ लीजिए अगर इस साड़ी में कहीं अगर दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं देता तो हम मानेंगे ही नहीं, पर जैसे ही हमें दिखाई देगा हम चाहेंगे कि इसे साफ कर दें। इसी प्रकार ये जो देखना मात्र है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहयोग में एक स्थिति जिसे हम कहते हैं साक्षी स्वरूपत्व प्राप्त होता है। साक्षी स्वरूपत्व में ये बात है कि आप किसी चीज की ओर देखते मात्र, उसके बारे में सोचते नहीं, कोई भी आपके अंदर उसकी रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अब हम आए यहाँ, हमने देखा बड़ा सुंदर सब सजावट है, बड़ी सजावट है, अब इसे देखते मात्र रह गए, तो जिसने इसे बनाया, जिसने इसे सजाया, उसने जो अपना प्रेम और जो इसमें आनंद डाला है, वो पूरा निराकार आनंद जो कि साकार यहाँ हो गया, फिर से निराकार बन करके, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गंगा आपके सर से बह रही आनंद, एकदम उसे देखते ही आप प्लावित हो जाए। तो निरंजन देखना, निरंजन देखना माने ये कि किसी चीज की ओर देख करके उससे कोई सी भी प्रतिक्रिया न होना, बगैर किसी प्रतिक्रिया के उसे देखना मात्र, ये सबसे बड़े आनंददायी चेष्टा है। इससे बढ़ के और कोई आनंददायी चेष्टा नहीं कि आप में कोई भी उसके प्रति लालसा नहीं हो। अच्छा, जैसे समझ लीजिए अब एक यहाँ कारपेट बिछा है, बहुत अच्छा बिछा है, और हमारे इसके प्रति एक हम कोई क्रिया करें तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये अगर मेरा है तो चिंता हो जाए कि कहीं जल न जाए, ये न हो, वो न हो। अच्छा, मेरा नहीं नसीब, क्योंकि तो उससे आधी तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरा तो है नहीं, किसका होगा वो देखें। अच्छा, अब अगर दूसरे का है तो उसको देखने पर भी आपको लगेगा कि कितने का होगा, कितने का खरीदा होगा, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसी बातें भी आ सकती, और उससे आगे ऐसी भी बातें आ सकती कि अगर मैं लेना चाहूँ तो कहाँ से लूँगा, तो विचार ही आते रहे। तो विचार पहाड़ के जैसे बीच में आ जाए तो इसका जो आनंद था, इसने बनाया, उसका आनंद तो आपको मिला ही। इसलिए निर्विचारिता में आने पर, जैसे कि कोई सरोवर एकदम शांत, उसमें एक भी लहर ना हो, कोई लहर ना हो, कोई तरंग ना हो, ऐसे शांत अपना मन हो जाए, और उस शांत मन में, उस सरोवर में जितना उसके चारों तरफ बना हुआ निसर्ग, सुंदर निसर्ग है, जो कुछ भी सुंदरता है, वो सारी उसमें पूरी की तरह जाग, पूरी की पूरी झांके
उसमें पूरी की पूरी प्रतिबिंबित हो और दिखाई दे, ऐसा ही आपका मन हो जाए। और जैसे ये आपका मन हो जाए, आप आश्चर्य हो जाए, आपको लगेगा कि मैंने कभी ये देखा ही नहीं, हर वस्तु में इतना आनंद है, मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी मनुष्य में इतना आनंद है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं और जाना ही नहीं। कलकत्ते की बात है, जब मैं अमेरिका जा रही थी पहली मर्तबा, तो हम एक होटल में ठहरे थे, वहाँ पर एक महाशय आए मुझसे मिले और वो मेरे पैर पे गिर पड़े। उनके अंदर एकदम जागृति हो गई और बहुत जोरों में जा, तो जो लोग हमारे साथ आए थे दूसरे कमरे में थे, वो सब दौड़े दौड़े चले। मैंने कहा क्या हुआ? खेले पता नहीं, इतने जोर की चैतन्य की लहरियाँ आई कि हमने कहा पता नहीं माँ के कमरे में क्या हो रहा। और कुछ नहीं, एक बड़ा महानुभाव ही कहना चाहिए, एक बड़ा परमात्मा को खोजने वाला साधन मेरे चरणों में था, और कोई बात नहीं थी। पर उसके जो कुछ भी क्रिया हुई अंदर, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ, वो इन सब को एकदम हलचल सी लगी। इतने चैतन्य की लहरियां क्यों आई, जैसे कोई पूजा हो रही। तो ये मानस पूजा ही थी। तो वो लोग आए, आते साथ उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए, सबको गले लगा लिया। उस आदमी को जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, वो कौन है, कौन से गांव से आया है, इसलिए आया, किस कुछ जानते, एकदम गले से लगा लिया। सब बड़े तो आह्लादित हो गए, माने जैसे कि इतने ही गुलाब के फूलों की वर्षा इन पर हो गई। और मैं देखती रह गई, तो ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आ गए। इस प्रकार आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप जब दूसरे सहयोगी से मिलेंगे तो आपको बड़ा एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि कोई मैं मुझसे ही मिल रहा। इस पर एक नामदेव की बात बताऊंगी आपको। नामदेव एक कवि थे और एक बड़े भारी साधक, और कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में बहुत ऊंचे उठे हुए एक संत थे। उन्होंने, वो एक दर्जी थे और एक दूसरे संत थे, उनका नाम था गोरा कुमार, जो कि कुमार का काम करते। तो ये एक दर्जी थे, वे कुमार थे। तो ये मिलने गए कुमार को, तो कुमार साहब मिट्टी अपनी लेकर के उसको पैर से रौंद रहे थे कि उनको कुछ तैयार करना होगा, कोई सामान, उसकी मेहनत हो रही थी। उसके सामने जाते ही एकदम हठात ऐसे खड़े हो गए और देखने लगे। तो गोरा कुमार ने कहा क्या देख रहे हैं? पहले मराठी में है कविता, लेकिन कविता का अर्थ यह है कि मैं तो यहाँ निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, वो तो सारा निर्गुण साकार हो, सारा निर्गुण साकार हो गया। इस तरह की समझ और इस तरह की सूझबूझ एक संत कोई दूसरे संत के लिए हो सकता। आज तक तो मनुष्य द्वेष ईर्ष्या इसी में रहता है, लेकिन जब सहयोगी हो जाता है तो उसको दूसरा सहयोगी ऐसा लगता है कि मैंने जो निर्गुण को जानना था वो ये सगुण में खड़ा हुआ, ये निर्गुण है। कितनी ऊंची पदवी उन्होंने गोरा कुमार को दी और वो पहली मर्तबा उनको मिले थे। इस प्रकार आपसी प्रेम जो है ये बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन और बड़ा आनंददायी हो जाता है। कहीं कोई सहयोगी मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, वाह ये तो सहयोगी। इसी प्रकार एक और किस्सा है, जहाँ की एक सहयोगिनी थी और वो कहीं पर गई थी बहुत दूर सिसिली में, और वो असल में रहने वाली थी स्विट्जरलैंड की, और वहाँ दूसरी सहयोगिनी गई थी एक इटली की। वहाँ बैठे बैठे उनमें एक आकर्षण सा हो गया, तो वो दूसरी उठ के आई, तो उसने कहा कि क्या आप आत्म साक्षात्कारी हैं? एकदम से पूछा, कोई किसी से पूछता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, क्या आपको श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार दिया? कहने हाँ, और मुझे भी, और दोनों खूब गले मिले और खूब रोना हुआ आपस में, और कहने देखो मैंने कितनी दूर से तुम पहचाना। कहने मैंने भी तुम्हें पहचाना था। कहने कैसे पहचाना? कहने पता नहीं क्या अंदर से ही एकदम लगा कि तुम आत्म साक्षात्कार हो और तुम सहयोगी नहीं हो।
और मैं एकदम से तुम्हारी ओर देख रही थी और तुम खुद ही उठ के चली आई और इस तरह से। और फिर उन दोनों को कुछ समस्या थी क्योंकि दोनों अकेली उस जगह में थी, वो सारी समस्याएं ठीक हो। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि हम एक बड़े ही सूक्ष्म और बड़े मजबूत धागे से बंधे हुए लोग हैं और आपसी प्रेम इससे बढ़ के और आनंद की कोई चीज है नहीं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।